सागर जिले के जयसिंहनगर जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत बड़ौदा में अनियमितताओं को देखते हुए ग्रामवासियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामवासियों का कहना है कि ग्राम के सरपंच द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना में हितग्राहियों से 10,000 रुपए की मांग की जा रही है और सरपंच द्वारा ग्रामीणों को धमकी भी दी जा रही है। साथ ही ग्रामीणों का यह भी कहना है कि सरपंच द्वारा पहले भी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। हमारी मांग है कि जल्द से जल्द हमारी समस्या का समाधान हो और सरपंच पर उचित कार्यवाही की जाए। वो सरपंच है जो प्रहलाद कुर्मी, उसके पत्नी है, सरपंच तो अभी वर्तमान में पत्नी है और उसका पति प्रहलाद कुर्मी है, जो वो प्रधानमंत्री आवास में जो अभी हितग्राही, अभी वर्तमान में जो हितग्राही चल रहे हैं, उन लोगों से कुछ पैसा लेता है और बोलता है कि वो पैसा दोगे ऊपर पैसा लगता है। इस चीज़ के वो अपने के लिए धमकियाँ देते हैं और कल भी सीओ साहब आए थे, हम लोग वहाँ थे तो उसने हमारे लिए ही धमकी दी है कि तुमको हम ज़मीन में गाड़ देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, गाली गलौज करता है और कुछ मेरे पास प्रूफ वीडियो भी है और हम आपको भेज रहे हैं। जो प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है उसमें गांव के जो सरपंच हैं ममता रानी प्रहलाद कुर्मी, वो सभी से पैसे मांग रहे हैं और जो पैसे नहीं दे रहे हैं उनकी या तो किस्तें रोक दी हैं या किस्तें नहीं डाल रहे हैं या उनसे पहले ही बात कर लेते हैं कि आपसे हम 10,000 रुपये लेंगे या 15 या 20,000 लेंगे तभी आपकी आवास की किस्त आएगी। कितने व्यक्तियों की कुटी है मंजूर? लगभग 300 से 400 लोग होंगे ऐसे जिनकी कुटियाँ। 300 से 400 लोग सभी से पैसे की मांग की? सभी से नहीं, पैसे तो सभी से लिए, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं रहा, लेकिन सभी लोग नहीं मतलब बता नहीं पाते हैं, डरा धमका करके बोलते हैं कि आप बताएंगे नहीं। गरीब लोग हैं बेचारे, गांव के किसान लोग हैं, छोटे छोटे मजदूर हैं, वो बोल नहीं पाते हैं और जो लोग बोलते हैं उनको धमकी दे देते हैं। क्या आश्वासन मिला यहाँ से आप? अभी हम लोग पिछले मंगलवार को जनसुनवाई में आए थे तो कलेक्टर साहब नहीं मिल पाए थे, लेकिन हम लोगों ने आवेदन दिया था, उसके बाद में उस आवेदन पर कुछ कार्रवाई हुई होगी तो जनपद सीओ हमारे गाँव आए थे कल। तो कल जो निरीक्षण किया है सीओ साहब ने, क्या सीओ साहब से आश्वासन मिला है? सीओ साहब ने अपने स्तर पर किया, अब चूँकि इनको पता चल गया होगा कि इन लोगों ने शिकायत करी है तो उन्होंने सभी को पहले से डरा धमका दिया था, तो कुछ लोग तो आए नहीं पंचायत में और सरपंच स्वयं नहीं आई, सरपंच पति आए जो बाद में ड्रिंक्स व्रिंक्स करते हुए गाली गलौज कर रहे थे सभी से। तो कुछ हमारे पास वीडियो भी हम लोगों ने बनाए हैं और कुछ हितग्राहियों के वीडियो भी हैं जो अब बोल नहीं पा रहे हैं डर के मारे, उनको धमकी दे दी गई कि आप अगर बोलोगे ना तो आपको जान से मार देंगे और बहुत सारी ऐसी धमकियां दी गई हैं तो वो लोग बोल नहीं पा रहे हैं। कहाँ से आए हो? ग्राम बड़ौदा। काय के लिए इधर आए हो? हम इसलिए आए हैं 15 साल से पर्ची नहीं है हमारी, पर्ची नहीं बन रहा, सरपंच के संगे हम विरोधी करते हैं, चुनाव लड़ा हमारी पर्ची नहीं बनने दे रहा। काय की पर्ची? जय राशन कार्ड। बीपीएल भी नहीं? बीपी मैंने क्या नहीं मिला था हमें, वो कुटी वगैरह बनी आपकी? नहीं बनी थी, बनी थी। मैंने 5,000 ले लाए हैं वो आवाज के, 5 और दिया, 5 और दे। एक ही शिकायत नहीं करी आपने? आप नहीं करी है, कोई शिकायत कर भी तो दिया है। का चाह तो आप कार्रवाई के जब आपने शिकायत ही नहीं करी तो कैसे कार्रवाई हुई है? अब जा तो बता दो पहले, आप जनप्रतिनिधि के तौर पर चुनाव लड़े थे? सरपंच जनप्रतिनिधि कोई कहा उठे क्या? तुम शिकायत ही नहीं करा तो का? राहुल कुरी बड़ौदा सागर। कौन सी पंचायत है? बड़ौदा सागर। सरपंच क्या मामला है? हम ग्राम पंचायत बड़ौदा सागर के सरपंच हैं, पंचायत में मतलब ज़्यादा भ्रष्टाचार का मामला चल रहा, मतलब आवास के पैसे लिए जा रहे हैं हितग्राही से। कितने पैसे लिए जा रहे हैं अभी? तो जैसे हितग्राही से जितने पैसे मतलब वो बोलते हैं उतने हितग्राही के लिए देने पड़ते हैं। पिछले मंगलवार को जनसुनवाई में आए थे तो क्या आश्वासन मिला था कलेक्टर साहब? पिछले मंगलवार को अपन कलेक्टर साहब ने मिल पाए थे, जिला सीओ साहब मिले थे, उनके लाने अपन ने आवास की सूची दी थी, फिर इन लोगों से पैसे लिए गए हैं, उनने मतलब जांच के लिए सीओ साहब के लिए भेजा था जनपद सीओ के लिए, सीओ साहब गए थे बड़ौदा सागर पंचायत में, हाँ तो वहाँ पर उन्होंने सीओ साहब ने जाँच भी की है और सरपंच मतलब ममता रानी है सरपंच, लेकिन वे नहीं गई, प्रतिनिधि गई थी सरपंच कुर्मी पंचायत में बैठने के लिए। सो हमारा कलेक्टर साहब से एक निवेदन जो भी है
कि ममता रानी क्यों नहीं गई, इस पर भी गौर की जाए क्या प्रतिनिधि, जब मुख्यमंत्री जी के सख्त आदेश हैं कि मौके पे मतलब सरपंच ही लिए हुए, तो उस समय पे प्रतिनिधि क्यों गए थे सीईओ साहब के साथ में बैठने के लिए पंचायत में? ये तो ठीक है, मुख्य बात। ग्रामीण भारत टीवी के लिए सागर से बीपी पटेल की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।